हेलो एवरीवन, दोस्तों क्या आप जानते हो कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कब बना? जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। मोर एक सुंदर पक्षी है जो भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में पाया जाता है। मोर को पक्षियों का राजा भी कहते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर यह पक्षी जब पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है कि मानो इसने हीरों से जड़ी शाही पोशाक पहन रखी हो। इसके सिवाय इसके सिर पर लगी ताज जैसी कलगी भी इसे पक्षियों के राजे का खिताब देती है। भारत सरकार ने मोर की अद्भुत सुंदरता के कारण 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया था। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी मोर ग्रे है। हमारे हिंदू धर्म में मोर को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। भारत के इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। नर मोर के सिर पर लगी कलगी आकार में बड़ी होती है, जबकि मादा मोर की कलगी छोटी होती है। साल में वर्षा के दौरान मोर के पंख झड़ जाते हैं, लेकिन गर्मियां आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। मोर का जीवन काल 10 से 25 वर्ष का होता है। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है जो घास, पत्ते, चने और गेहूं से लेकर कीड़े मकोड़ों और सांप तक को भी खा सकता है। रहने के लिए मोर दूसरे पक्षियों की तरह किसी प्रकार का विशेष घोंसला या घर नहीं बनाते हैं। मोर वैसे तो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन भोजन की तलाश में वह इंसानी आबादी तक आ जाते हैं। नीले और हरे के सिवाय मोर का रंग सफ़ेद, जामुनी और ग्रे भी होता है। सो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर